सकते हैं, लेकिन आप ही ट्राई ना करें, बाल भी उठ। Assalamualaikum जी बॉयज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खरीद से होंगे और आपका आज का दिन बड़ा अच्छा गुजर रहा हो। सारे फारिस रोग के फर्स्ट कजन है। अब भैया जी, आज का सीन कुछ इस तरह का है कि हमें खुद नहीं पता कि आज का सीन क्या है। एक जो हमारा मिशन है जी, मीना के रिम हमने पिक करने हैं बिलालगंज से, जिधर हमने पेंट के लिए और रिपेयरिंग के लिए दिए हुए थे। एंड नाउ द फर्स्ट थिंग आई वुड से कि आई होप कि जी सीधे जो हमारे रिम हुए हैं ना, वो बिल्कुल 0-0 हुए हों। उनमें अगर थोड़ा सा भी कोई फ्लॉर रहा तो आपके भाई को बहुत दुख होगा, क्योंकि भैया बहुत पैसे लग गए इनकी रिपेयरिंग पे और पेंट पे ना, बहुत सच में बहुत पैसे लग गए हैं। इतनी सस्ती नहीं हुई है, एवरेज जो पेंट शेंट या तैयारी के रिम के पैसे होते हैं उससे काफ़ी महंगा हो गया ये काम। लेकिन जी आई होप इट्स वर्थ इट और इंशाल्लाह ये ठीक होगा। आज ना ज़रा वो फीलिंग, पता नहीं क्यों एक फीलिंग सी आ रही है जैसे ना नए रिम ही लेने हैं, ब्रांड न्यू रिम ले रहे हैं, वो वाली फीलिंग्स आ रही हैं। कोई नहीं जी, पुराने हैं लेकिन हमारे लिए तो जरा नए नहीं होंगे। आज ही जी रिम्स पे टायर भी चढ़वा लेने हैं और फिर उसके बाद मीना को लगा भी लेने हैं, एंड जी होपफुली गाड़ी को कैम्बर भी कर लेना है दोबारा। तो इसीलिए सारा आज का दिन जरा थोड़ा सा हमारा लंबा है, थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान। अब सीन इस तरह का है कि आपने अगर पिछली वीडियो गौर से देखी हो, जिसने अपनी मीना की ट्रंक फ्लिप फ्लॉप किया, उसमें रीबोन की एक्सल की सील लीक थी, वो एक्सल की सील हमें डलवा ली थी, लेकिन अभी फिर कोई ना कोई लीकेज है। अब आई डोंट नो ये कहाँ से है। अब जो सस्पेंशन है, इंजन ऑयल हो सकता है, उसके अलावा पावर पंप वाला ऑयल हो सकता है। पावर पंप लीक है भैया आपका, उसका ऑयल है। यस भैया, एमरेसर तो हम पहुंच गए हैं काफ़ी अरसे के। अब सीन कुछ इस तरह का है जी कि हमारी रीबॉर्न का जो पावर पंप होता है ना, रीबॉर्न में पहले आपको बताते चलेंगे जी, पावर पंप होता है इसकी इलेक्ट्रिक संगी नहीं होती, इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग नहीं होता, ईपीएस जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग, वो नहीं होता, इसमें होता जी पावर पंप। अब पावर पंप का क्या काम है? तो पावर पंप का वही काम है जो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग ईपीएस का है, स्टेयरिंग का उसी स्टेयरिंग की मोटर है बेसिकली। हमारा पावर पंप लीक है और पावर पंप में से ही ऑयल ड्रेन हो रहा है टपका टपका थोड़ा थोड़ा। अब पावर पंप हमें नया डालना पड़ेगा ऑफ कोर्स, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। फिर ज़िंदगी के ये मसले भी साथ साथ ही हैं, क्या कर सकते हैं। अब ये है तो सही। सीन कुछ इस तरह का है कि हमने गाड़ी एक दो दिन में खड़ी करनी है बम्पर पेंट होने के लिए। अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि वालिद साहब को गाड़ी की ज़रूरत होती है कि बम्पर पेंट हो रहे होंगे। मीन वाइल हमारा पावर पंप भी नया डाल जाएगा, इसको हम रिपेयर वगैरह नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि जी पावर पंप वैसे ही बड़ी एक नाजुक सी चीज़ है, इसीलिए रीबॉर्न में कामयाब नहीं था। इसीलिए जी आधे से ज़्यादा लोग इसके पावर पंप वाले मसलों से तंग आके इसको करा लेते हैं जी ईपीएस। ईपीएस हम इस टाइम क्यों नहीं कर? ओए मक्खी आप किधर से आएंगे? सिंपल सी बात है कि अभी हमारा बजट नहीं है इतना कि हम इसको ईपीएस करवाएं। और ईपीएस एक ज़माने में होता था जी 25 से 30 हज़ार का, फिर ये हुआ 30 से 35 हज़ार का, 40 का हुआ तो बहुत रौला डाला जी कि ईपीएस बड़ा महंगा हो गया। रिबॉर्न का वो मसला इज़ नॉट स्मॉल एनी मोर, बट अब ये ईपीएस 50-60 हज़ार रुपये चला गया। अगर 50-60 बोले तो 50-60 हज़ार रुपीज़ ओनली। ये मसला इतना छोटा नहीं है, ये मसला बड़ा है। इसको अभी फिलहाल पावर पंप पे चलाएंगे, इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर हुआ तो इसको हम ईपीएस भी करवा लेंगे। थोड़े से मामला संगीन हो गए हैं क्योंकि फिर हमें एक फिक्र सी लग गई है गाड़ी की, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह वसीले बनाने वाला है, अल्लाह खैर करने वाला है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हर चीज़ में अल्लाह की कोई बेहतरी होती है भाई, फिर यही आखिर हम यही कह सकते हैं। आसान अंसारी को पिक करते हैं और चलते हैं फटाफट जाके मीना के रिम लेते हैं, बिकॉज आई एम मिसिंग मीनाज रिम टू मच। बिलालगंज की गलियों में हम एंट्री मार चुके हैं जी, और अब हमने लबना है जी इधर एक खास टिक्कियों वाला है। वो टिक्कियाँ अगर ना मिली तो बहुत ज़्यादा दुख हो जाएगा। टिक्कियाँ बहुत ज़रूरी हैं भैया, वो खानी है उसके बाद रिम हज़म होना है, तो इसीलिए वो समोसे मिल रहे हैं इधर। याद हमने ले लिए थे, खाए नहीं गए थे इतने बड़े, जिनमें तेल बहुत ज़्यादा ड्रिपिंग कर रहा था। होल समोसे फ्राइज दुनिया जान की चीज़ें ले ली भाई, सारा कुछ टोटल होल सेल 350। इतना बड़ा सामान है, साढ़े तीन सौ की कैसे कि ये कोई इस जगह से निकला, सो कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से कार करा के ना कहता है बाकी सारों के चिप्स करा लेगा इतना तेल के बाबा तेल टपके ऐसे करे तो तेल टपक रहा, इतना तेल के खाया ही नहीं। ओए ओए बॉयज पहुँचते साथ द फर्स्ट थिंग आई कैन से कि डिसअपॉइंटमेंट हमें थोड़ी सी फेस करने को मिल रही है। उसकी वजह ये है जी कि रिम पे पेंट के थोड़े से मसले मसाइल हैं, डिश में भी हैं और उसके बाद अंदर भी हैं, तो फिलहाल वो मसले मसाइल क्लियर हो जाए उसके बाद शायद कि थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रिम देखने की दोबारा। ये जितनी थी वो तो सारी मर गई है जस्ट बिकॉज के उसमें थोड़े से मसले मसाइल आ गए हैं, एंड आई होप नाउ कि वो क्लियर हो सकें।
फिर ही कुछ हो सकता है, वरना तो कुछ नहीं हो सकता। सीन कुछ ऐसी है जी कि ये वाले रिम तो हमारे ओके हैं, फ्रंट वाले रिम में ये जबान ये वो सब कुछ हमारा कायम है, ठीक है। छोटे मोटे ड्रिप्स हैं पेंट के, ये गुजर चल जाएंगे, कोई मसला नहीं है इसका। इस डिश में आप देखिए हल्का सा नीचे से रेड शेड आ रहा है, उसके अलावा ये वाला रिम ज़्यादा ठीक है, इसको इतना इशू नहीं है। ये वाला रिम भी ठीक है, इसको भी इतना इशू नहीं। सिर्फ अब जो सीन है वो ये है जी कि इसके जो कड़े हैं ना पिछले, इनको वाइट पेंट हल्का सा मारने की ज़रूरत है, क्योंकि गाड़ी जब चलेगी ऐसे कैम्बर वो नज़र आएगा। फिलहाल ये कर लें, और वो अपना वो भी हो रहा है चलें जी, वो भी जो हमारा एक रिम में इशू है उसको भी क्लियर करने की पूरी तैयारी है, एंड आई होप कि वो हो जाए। सुकून से टिक्कियाँ शिक्कियाँ खा लें। ये है जी वो शॉप जिधर से हमने अपनी मीना के रिम्स पेंट करवाए हैं, और ये है जी मलिक शाहजेब साहब, इनका नंबर ये मेंशनड है। अगर आपने इनसे रिम शिम पेंट करवाने हैं तो आप इनको फ़ोन करके बता सकते हैं कि आपने ये नंबर कहाँ देखा था, तो फिर ही आपसे इंशाल्लाह अच्छे तरीके से डील करेंगे और आपको रिम शिम पेंट भी कर देंगे। सबसे बड़ा दुख अब ज़िंदगी में ये रहा आज का कि हमें टिक्कियाँ नहीं मिली जो कि हमें मिलनी चाहिए थी यार, भूख एक तो बहुत सख्त लगी हुई है और टिक्कियों की क्रेविंग थी। लेकिन अब हमें प्लान भी टैन भी कुछ इस तरह है कि हम खाएंगे जी बन प्लसर। अब बन प्लसर क्या होता है अगर आप जानते हैं तो आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो आप जान जाएंगे। आए जरा सारे भाई थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, नहीं लाए वो सीन कुछ इस तरह का है कि नोजले हम घर जा आगे ले आए हैं, हमने 200 रुपए की एक नोजल नहीं ली, से नोट टू चोर बाजारी ये चोर बैठे हैं। खैर जी अब सीन ये है कि ये आ गए ये आ गए अपने पिछले टायर, ठीक है। इनके बारे में आपको पहले भी बताया था, अच्छी कंडीशन के टायर हैं, माशाल्लाह गुड है, 215/45/17 प्रोफाइल है, दोनों सेम ब्रांड के हैं, सेम डेट्स के हैं, सेम गुड़ियों में हैं, बेहतरीन हमारा काम बेहतरीन चलेगा, अच्छा भी नहीं बेहतरीन चलेगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा टायर लेकिन अच्छा चल जाएगा। अगले जो है वो वही हैं पुराने पहले चढ़े हुए थे, ये भी कुछ अच्छी कंडीशन में ही है, मतलब बहुत बुरे नहीं है लेकिन ये उनसे बहुत माड़े हैं। ये है जी 205/45/17 जो पहले चढ़े हुए थे, इसीलिए ज़रा ये स्ट्रेच हुए हुए हैं ना, तो ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, वो वाले टायर बहुत हार्ड होंगे तो इसीलिए इनको ज़रा स्ट्रेच व्रच करना पड़ना है। अब खींच इसको जरा प्लास दे ना, मैं हाथ से खींचू, चली गई ना यार फजी, ये रिमो को ऐसे नहीं उठाना, क्या कर रहा है भाई तू? यार फजी तमीज से कर, वो देख निशान आ गया ना, वो देख जरा, ये छोड़ दे यार, गंदे हाथ लाई जा रहे हैं, मरे यार की कर रहे हैं यार। इस तरह वानी भरी जाएगी, ये बिग बॉय टॉयज है। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर टायर हमारे छोटे हो और रिम्स की विड्थ, अगर हमारे रिम्स की विड्थ ज्यादा हो और टायर की विड्थ कम हो तो टायर होते हैं जी स्ट्रेच, तो ये टायर नॉर्मली जब अगर उनको स्ट्रेच की आदत नहीं है तो वो इस तरह आसानी से नहीं चढ़ते। अब ये किस तरह चढ़ते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, बट डू नॉट ट्राई दिस, हमें ये आता है क्योंकि हम तकरीबन 4 साल से ये कर रहे हैं और खुद ही किया जब भी किया तो इसीलिए सीख गए हुए हैं, लेकिन आप ये ट्राई ना करें, बाल भी उड़ते हैं, काफ़ी कुछ हो सकता है, डू नॉट ट्राई दिस, लेट्स गो। इसी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी आसानी से पहली ट्राई में हमसे हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह इतना वो एक्सपीरियंस है आपके भाई का भी, और बाकी टीम वर्क इज़ ऑलवेज बेस्ट। सर्दी सर्दी सर्दी।
पश्चिम लग गए हैं फाइनली, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। मीना इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल और मेरे ख्याल से इससे बेहतर कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इनके साथ जो इनमें का मसला था, टूल नहीं लग सकता, ये वो ये बेस्ट था जो हम कर सकते थे। नेक्स्ट अप इसके इसके कैलिपर्स पेंट किए हैं, उसका कलर सजेशन आप कमेंट में बता सकती हैं, वो हमने रंग बिरंगे अजीब से ही करनी है जोकर स्टाइल फुली। आज की वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पे, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और कमेंट्स पर अपनी राय से आगा करें कि मीना आपको कैसी लग रही है इन नए पर पुराने रिम्स पे। हमारे लिए नए हैं, हमारे दिल के बहुत करीब है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय, गुड नाइट, इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ एंड डेफिनेटली गुड नाइट। बहुत थके हैं आज, बाय बाय। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।